हजरत इब्राहिम से मुनाजरा हुआ, तफसील में जाने का समय नहीं है। शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल से कहूं तो वो मुनाजरे में हजरत इब्राहिम की विजय हो गई। वो हमारे एक कहावत मशहूर है, खिसियानी बिल्ली खंबा नूचा। जब नमरूद हार गया तो उसने अग्नि कुंड बुलंद किया, एक आतिश का दाह। हदीस में आया है कि उस आग की लपटें जो है वो आसमान से बातें कर रही थी। अभी हजरत इस्माइल अलैहि सलाम, हजरत इसहाक पैदा नहीं हुए, नूर मोहम्मदी पेशानी इब्राहिम है। हुक्म दिया कि एक मिंजनीक, एक क्रेन के जरिए इस अग्नि कुंड में इब्राहिम को उतारा जाए। अभी आग के करीब ही थे कि बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील ने अपना नशेमन छोड़ा और बारगाह खलील में हाजिर होकर अर्ज किया, मैं आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं, मदद, हल्लक हाजती या इब्राहिम, इज देयर एनी नीड ऑफ माइन ओ इब्राहिम। ही सेड बाय रिप्लाइंग, ला, नहीं, मुझे तेरी जरूरत नहीं, जिसके लिए जा रहा हूं वो देख रहा है, वो देख रहा है। ए रूहुल अमीन जिब्रील सुनो, तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पर, अगर मैं सबके लिए जाता तो तेरी मदद मांग लेता, मगर आज इब्राहिम सबके लिए नहीं, सिर्फ अपने रब के लिए जा रहा। और उधर मेरे मुस्तफा का नूर पेशानी खलील में चमक चमक कर, दमक दमक कर, गोया ज़बाने हाल से ये ऐलान कर रहा हूं, बाबा कूद पड़ो, आप अकेले नहीं हो, मैं साथ में हूं। आवाज आई, आना रुकूनी बरदम सलाम आला इब्राहिम, आया ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा इब्राहिम के लिए। इस परीक्षा में भी कामयाब हो गए, दूसरी परीक्षा में भी कामयाब, तीसरी एक और परीक्षा हुई कि या इब्राहिम ये हरी हरी जमीन छोड़ो और चलो ऐसी जगह पे जहां तुम्हारे दादा आदम ने मेरे घर की बुनियाद रखी थी, ना वहां पानी है ना दाना है और वहीं इस्लाम का परचम लहराना है। चलो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल को जनाबे हाजरा को लेके चल पड़े। मक्के की वादी में पहुंचे तो हर तरफ पहाड़ है, पठार है, न गेहूं न धान, बंदा हैरान, अल्लाह यहां क्या, न खाना न पानी न दाना न कुछ। अर्ज किया, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन दुर्रियती بواد غير ذي ضرع عند بيتك المحرم, ए अल्लाह मैं तेरे इस बैतुल हराम में अपनी फैमिली सहित, अपने परिवार सहित आया हूं, सिर्फ तेरे लिए आया हूं ताकि तू राजी हो जाए और तेरे लिए यहां नमाज का कयाम करूं। इस परीक्षा में भी कामयाब। फिर हुक्म हुआ कि ऐ इब्राहिम मेरा घर बनाओ। लोग पहले अपनी बाड़ी बनाते हैं, अल्लर बॉडी पोरे, लेकिन इब्राहिम को हुक्म हुआ कि बनाओ तो खुद माउंटेन की गुफा में है, उसमें रह रहे हैं और अल्लाह का घर काबा बना दिया। वो इधर इब्राहिम इस्माइल, अल्लाह पाक अपने महबूब को याद दिला रहा है, ए मेरे प्यारे रिमेंबर द मोमेंट, और याद उसी को दिलाया जाता है जिसके सामने घटना घटी। नबी को याद दिलाया जा रहा, क्यों, क्योंकि नबी इस मंजर को देख रहे थे, तवज्जो चाहूंगा, देख रहे थे, देख रहे थे, अरे दूर से न सही, नूर से देख रहे। अल्लाह का घर बना दिया, तफसील में जाने का समय नहीं। फिर पांचवी परीक्षा, ऐ इब्राहिम अब घर तो बन गया मगर घर में मेरी पूजा करने वाले पुजारी मेरे बंदे वो कहां से लाओगे,
जाओ ऐलान कर दो, जमीन और आसमान में हर तरफ फैल जाओ तू, मेरी जमीन बहुत बड़ी है, एलाए कलिमतुल हक के लिए मेरा झंडा उठा के चलो, अपने परिवार की परवाह मत करो, उन्हें मैं देख लूंगा। हजरत इब्राहिम जनाबे हाजरा को और हजरत इस्माइल को छोड़ के चले गए और ऐलान करते हुए वअद्दिन फिन्नास बिलहज्ज यातूक रिजाला वअला कुल्लि बामिरिन यातीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। इस इम्तिहान में भी, इस परीक्षा में भी कामयाब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट टिपिकल एंड डिफिकल्ट एग्जामिनेशन हैज बीन टेकन बाय अल्लाह सुभानहू व तआला, और वो क्या था? उसके लिए इंतजार था कि इस्माइल थोड़े से बड़े हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, ये पांच वर्ष का बच्चा सर्प से, सांप से डरता है? तीन साल का, दो साल का बच्चा डरेगा, भय करेगा? क्यों? क्योंकि उसे मालूम नहीं सांप कितना डेंजरस है, इसे पकड़ेगा, गर्दन घुमाएगा, फेंक देगा। आग अगर उसके सामने रोशन हो तो उसी अग्नि में वो कूद जाएगा, दो साल का बच्चा, तीन साल का, उसे नहीं मालूम अग्नि कितनी डेंजर है। लेकिन अगर 10 साल का हो जाए तो सांप को देखेगा भागेगा, 15 का हो जाए तो और दूर भागेगा। ये तो पहचान है बंदों की, बंदे जिससे जितना डरते हैं उतना दूर भागते हैं, और जितना अकलमंद बंदा होता है उतनी तेजी से भागता, जितना बुद्धिमान है उतनी जल्दी भागेगा। एक जुमला आ गया, एक बात हालांकि मौजू से हटी है लेकिन सुन्नियों के दिल से बिल्कुल सटी है, इसलिए इजाजत हो तो कहता चलूं। और क्या है तो चाहूंगा, एक हम तुम, हम जिससे डरते दूर भागते, यानी बंदा जिससे डरता है दूर भागता है। सांप से डरा दूर भागा, अग्नि से डरा दूर भागा, शेर से डरा दूर भागा, टाइगर से डरता है दूर भागता है, मगर बंदा, बंदा जब अपने रब से डरता है तो जितना डरता जाता है अल्लाह के करीब होता जाता है। बहुत तेजी ताड़ी में चल रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा, बिल्कुल एक्सप्रेस ट्रेन की तरह किसी छोटे स्टेशन पे नहीं रुकेगी। तैयार है ना आप लोग? अब देखिए जिंदगी के साथ इस अजीबोगरीब इम्तिहान, एक ऐसी आयु में जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सिन्ने शऊर को पहुंच गए, कुरान पाक में है फलम्मा बलगा माहुस्साया, यानी ऐसी उम्र में पहुंचे जिस उम्र में बच्चा बालक अपने हाथ से अपना काम करने लगता है, अपनी कोशिशें खुद करने लगता है, बुद्धिमान हो जाता है, समझदार हो जाता है। जब उस उम्र में हजरत इस्माइल पहुंचे तो एक सपना आया हजरत इब्राहिम, क्या आया? अच्छा सपना कभी अपना नहीं होता है, हाँ ये बात दिमाग में रखिएगा। अगर कोई साहब सपना देखे कि मैं 1,00,000 मेरे घर में है, करोड़पति हो गए हैं, तो सुबह उठेंगे तो पता चलेगा न करोड़पति न लखपति, हम तो सिर्फ अपनी पत्नी के पति। चलिए थोड़ा मुस्कुराया अपने, अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। सपना कभी अपना नहीं, लेकिन खलीलुल्लाह की खुल्लत को सलाम, उन्होंने सपने को भी अपना बना लिया। सपना देखा तो हाथ में छुरी लेके आए, छुरी कहते हैं कि चाकू, क्या कहते हैं हमारे यहाँ जिससे सब्जी उब्जी काटते हैं उसको छुरी, और जो जिससे गोश्त काटते हैं उसको चाकू, और जिससे गर्दन काटते हैं उसको खंजर कहते हैं। तो चलिए जो भी समझते हैं, छुरी हाथ में लेके आए, उस मंदिर को कुरान पाक ने इस तरह बयान किया, फलम्मा बलगा माहुस्साया قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى। जब इस्माइल अपने बाबा के साथ सिन्ने शऊर को पहुंचे, सही की उम्र को पहुंचे, तो एक दिन हाथ में छुरी लेके जनाब इब्राहिम आए और अपने बेटे से कहा, ओ बेटा, ओ मेरे सुनार पुत्र, मैंने सपना देखा है कि मैं तेरी गर्दन पे छुरी चला रहा था,
और अल्लाह ताला ने मुझसे मेरी महबूब चीज की बोली मांगी है और तेरी गर्दन पे झूरी चला रहा था, मैं समझ गया उसने मुझसे तुझे मांगा। क्या तेरा क्या विचार है काटू? फंगुर मादा तेरा, गौर कर तेरा क्या ख्याल है काटू? ये आज का अगर कोई बालक होता, लड़का होता 14-15-20 साल का, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाने वाला, अगर उसका बूढ़ा बाबा उसके पास छुरी लेके आता और कहता कि मैं ख्वाब देखा है तेरी गर्दन पे छुरी चला रहा था काटू, तो आज का लड़का कहता है अब्बा सखिया गए हो गया। कोई बाप अपने बेटे को काटता है, मगर ऐ नारायण गंज के गयूर मुसलमानों, अगर सपना देखने वाले इब्राहिम खलीलुल्लाह तो उस सपने को साकार करने वाले हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह। अर्ज करते हैं या अबती इफ़अल मा तुमर, सजद सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, ऐ बाबा कर दीजिए जो आपको आदेश मिला है, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। आदेश मिला, क्या क्या, क्या बोला? हुक्म, ऑर्डर। अच्छा अगर सपने में किसी स्टूडेंट के उसका टीचर आ जाए और आदेश दे कि कल स्कूल मत आना, और वो दूसरे दिन नहीं गया, और तीसरे दिन जब स्टूडेंट पहुंचा विद्यार्थी और अध्यापक ने पूछा क्यों नहीं कल आए थे, तो कहा आप ही ने तो आदेश दिया था सपने में, तो उसका ये एक्सक्यूज माना जाएगा? क्यों? क्योंकि सपना कभी अपना नहीं। मगर इस्माइल की का ज़बहे इशार देखो, वो जानते हैं कि ये सिर्फ सपना नहीं है, ये इशारे गैबी है, ये इल्हामे रब्बानी, ये हुक्मे रब्बानी, ये वहीए इलाही के जरिए इशारा। अर्ज करते हैं बाबा कर दीजिए जो आपको आदेश हुआ, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। जाहिर है कि मक्का तो बैतुल हराम है, मदीनतुम हराम है, वहां तो मच्छर मारने की इजाजत नहीं है, खून खराबा लोग नहीं करते, तो कत्ल कैसे करें, बलि कैसे दें, कुर्बानी कैसे दें? तो हुदूदे हरम से बाहर निकल के हजरत इस्माइल को आगे बढ़े, साथ में माँ हाजरा भी। बॉर्डर पे शैतान बैठा है चांस लेने, उसे पता है कि अगर ये बलिदान हो गया तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा, चांस लिया उसने। हजरत इस्माइल को पहले बहकाया, कहा कि तेरे बाबा तुझे मारने जा रहे हैं। हजरत इस्माइल ने लाहौल पढ़ा और चंद कंकरियां उठाई और मुंह पे मारा। जनाबे हाजरा को बहकाया कि तेरा शौहर तेरे नूरे नजर तेरे बेटे को कत्ल करने जा रहा है, मारने जा रहा है। वो समझ गई कि ये शैतान की तरफ से वसवसा है, उन्होंने लाहौल पढ़ा, कंकरियां उठाया और मारा। फिर जनाबे इब्राहिम को बहकाने चला, हजरत इब्राहिम ने कंकरी उठाया, लाहौल पढ़ा और मार दिया। और ये तीनों का मारना अल्लाह को इतना पसंद आया कि सुबह कयामत तक महबूब की उम्मत से ये काम करवा रहा है। अरे ऐसे शैतानों और राक्षसों को हम मारते रहेंगे, चाहे वो मैना में हो या कहीं भी हो, मारते रहेंगे इंशाअल्लाह। खैर मुख्तसर ये है कि एक चोटी, जो लोग हज कर चुके हैं मीना गए हैं तो जहां पर जमरे उकबा है वहां से लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा पहाड़ है, उसकी चोटी पे किसी जमाने में वहां तुर्कियों ने निशानदेही के तौर पे एक मस्जिद बनाई थी जिसे नजदियों ने तोड़ दिया। वहां ले गए हजरत इस्माइल ने ख्वाहिश जाहिर की कि बाबा मैं चाहता हूं कि जब आप मुझे ज़िबह करें तो मेरी पेशानी मेरे मौला के लिए शुक्र के सजदे में हो। आई वॉन्ट टू परफॉर्म सजदा, देन यू कैन कट माई नेक फ्रॉम द बैक, पीछे से काटेंगे तो इससे फायदा मेरा ये होगा कि मैं आपको नहीं देखूंगा। हजरत इब्राहिम ने जब ये सुना तो कहा अच्छा तू मुझे नहीं देखेगा लेकिन मैं तो तुझे देखूंगा ना, तो अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। सजदे में इस्माइल, जबान पर सुभान रब्बी अल आला,
यहाँ मुफस्सिरीन का इख्तलाफ है, बाज़ ने ये कहा कि जब गर्दन पे खंजर चला, छुरी चली, तो हजरत इस्माइल की गर्दन तांबे की बन गई, कट ही नहीं रही थी, कट ही नहीं रही थी। आजीज आकर हजरत इब्राहिम ने छुरी को पहाड़ की तरफ फेंका, एक चट्टान से छुरी टकराई तो चट्टान के दो टुकड़े हो गए, इतनी तेज थी। मगर जब उसे गर्दन इस्माइल पर रख रहे तो गर्दन कट ही नहीं रही। इसी दरमियान अल्लाह ने अर्श से एक मेढ़ा भेजा, वो मेढ़ा कट गया, इस्माइल की गर्दन बच गई। या अल्लाह मामला क्या है? आवाज आई, सुन, गर्दन इस्माइल कटे तो कैसे कटे? अरे वो नूर जो तेरी पेशानी में चमक रहा था वो अब इस्माइल की पेशानी में आ चुका है। एक साहब हैं, मैं इशारा करूंगा आप कैच कर लेंगे, वो पैंट शर्ट टाई और ऊपर से टोपी, चाइना चाइना टोपी, चाइना, बात समझ में आई ना? हाँ, नालायक समझ गया, बोलना नहीं आता उर्दू, कायदे से कहता कि हजरत इब्राहिम ने इसलिए अपनी आईज को क्लोज किया था क्योंकि मामला बेटे का था, कहीं इरादा बदल ना जाए, कहीं छुरी छटक ना जाए, कहीं ये ना हो जाए। उस बदबख्त से कहो, किस इब्राहिम के बारे में कह रहा है तू? वो जो नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोले, जो आतिशे नमरूद में उतरते वक्त बुलबुले सिदरा जिब्रील की मदद भी ना मांगे, अरे जो किसी बादशाह से ना डरता हो, आग से ना डरता हो, वो इस चीज से डरेगा? तो फिर क्यों पट्टी बांधी? तो सुन, ये रास्ता पट्टी इसलिए बांधी क्योंकि पट्टी बांधना जरूरी था। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे समझ में आ जाए। अगर आंखों में पट्टी ना होती तो वो कुर्बानी, वो बलिदान भी पूर्ण ना होता, मुकम्मल ना होता। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि जैसे ही गर्दन पे छुरी चली, अल्लाह ने एक ही लहजे में अर्श से मेढ़ा उतारा, मेढ़े की गर्दन कट गई, इस्माइल की गर्दन बच गई। मतलब साफ है, गोया रब्बे जुल जलाल ये फरमा रहा है, इब्राहिम आंख बंद करके छुरी चलाना ताकि जब मेरा करम बतुफैले मुस्तफा तेरे इस्माइल की गर्दन को बचाकर मेढ़े को कुर्बान करेगा तो दुनिया देखेगी कि मेढ़ा कट रहा है, तेरा दिल बोलेगा बेटा कट रहा है। मेढ़ा कट रहा, तेरा बेटा कट रहा, ये वो कुर्बानी थी। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब देखा पट्टी खोली तो देखा इस्माइल खड़े मुस्कुरा रहे, मेढ़ा जबा हो गया। मन ही मन में ख्याल आया कि अल्लाह, ख्वाब में तो मैंने अपने बेटे को जबा किया था और सच्चाई में हकीकत में ये दुम्बा, ये मेढ़ा कट गया, कहीं मेरी कुर्बानी तूने रद्द तो नहीं कर दी, कहीं मेरी तरफ से कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई? अभी मन में हृदय में सिर्फ ये शंक, ये ख्याल आया था कि आवाज आई, वना दैना हुआ इब्राहिम, हमने पुकारा है इब्राहिम, कद सद्दकत रुया इन्ना कदालिक नजजिल मुहसिनीन, तहकीक के तूने अपने सपने को सच्चा कर दिया और हम एहसान मंद बंदों का बदला ऐसे ही देते हैं कि उनका काम भी हो जाए, नुकसान भी ना हो। और अरे इब्राहिम, तूने मेरे लिए बड़ी बड़ी जटिल और बहुत ही कठिन परीक्षा दी है, मगर इन हादा, तवज्जो चाहूंगा, लहुल बलाउल मुबीन, ये अब तक की सबसे कठिन परीक्षा थी, तू इसमें भी कामयाब, इसलिए रिवॉर्ड सुन, वफदैनाहु बिज़बहिन अज़ीम, हमने तेरे इस कुर्बानी के फिदिये को ज़िबहे अज़ीम यानी महान कुर्बानी करार दिया। अच्छा एक बात बताओ,
ये जो आप लोग बूचर की दुकान से, कसाई की दुकान से गोश्त खरीदते हो, इसको क्या कहते हैं? कुर्बानी का गोश्त कहते हैं। लेकिन जो 10 जुलहिज्जा को, 11 को, 12 को जो हम लोग अय्याम नहर में करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कुर्बान। तो दोनों में अंतर है ना, फर्क है ना। ठीक, अब आइए दूसरा चैप्टर। सपने में किसकी गर्दन कटी थी? इस्माइल अलैहिस्सलाम। और हकीकत में किसकी कटी? मेढे की कटी, बकरे की कटी। ठीक है। अच्छा ये बताइए, इंसान महान होता है कि जानवर? अशरफुल मखलूकात है। और फिर इस्माइल तो बहुत महान, वो तो नबी है, रसूल है। तो इस्माइल है सुपीरियर। तवज्जो से, बहुत बारीक बात कह रहा हूं। इस्माइल है सुपीरियर, मेढा है इन्फीरियर। इस्माइल है अफजल, मेढा है मफजूल। इस्माइल है महान, मेढा बिल्कुल साधारण। महान का बदला साधारण कैसे, सुपीरियर का फिदिया इन्फीरियर कैसे? हमें जब इस्माइल की गर्दन पे छुरी चली तो वो तो महान थे, उनकी गर्दन पे छुरी चलने को सिर्फ कटना कहा। इन्नी अजबहू का फंदुर मादा तरा, अजबहू का फंदुर मादा तरा। मगर जब बेढ़े की गर्दन पे चली तो कटना नहीं कहा। वफदैना हु बिदबहिन अजीम, हमने इस कुर्बानी का फिदिया महान कुर्बानी किया है। तो फिर वो महान है कौन? वो फिदिया मेढ़ा तो हो नहीं सकता। वो महान है कौन? आवाज आई, ये वो कर्ज था, ये वो ज़िबहे अज़ीम थी जिसकी तकमील बाकी थी। इसे मुस्तफा के नूर ने रोके रखा था, मुस्तफा के नूर ने रोके रखा था। वो नूर चला, बनी अदनान को मिला, कुर्बानी तकमील ज़िबहे अज़ीम बाकी है। बनू कहतान को मिला, तकमील ज़िबहे अज़ीम बाकी है। कुरैश को मिला, तकमील ज़िबहे अज़ीम बाकी है। बनू अदी को मिला, वहां से चल के बनू नजार को मिला, बनू खुज़ैमा को मिला, बनू मुद्रिका को मिला, बनू कोलाब को मिला, बनू लुई को मिला, बनू मुर्रा को मिला, बनू हाशिम को मिला, अब्दे मुनाब को मिला, अब्दुल मुत्तलिब को मिला, अब्दुल्ला को मिला, मुस्तफा को मिला। एक बात याद रखिएगा, सैयद, तवज्जो चाहूंगा, सैयद अपने कांधे पे किसी का कर्ज ज्यादा देर तक नहीं रखता। नूरे पाके मुस्तफा को मक्के में जाहिर होना था, इसलिए सबकी गर्दनें बचती गई, पहले वालों की गर्दनें बचती रही, सुरक्षित रही, महफूज रही। जब नूरे पाके मुस्तफा ने मौनो रूप धारण किया, आमेना के घर में जगमगाया, और 40 साल की उम्र के बाद ऐलाने नबूवत किया, जनाबे फातिमा की ने अनमोल हीरे दिए, एक हसन एक हुसैन, मुस्तफा की शान देख अपने काशाने में बैठे हैं। एक जानू पे हुसैन है, दूसरे जानू पे बेटे इब्राहिम है। जनाबे जिब्राइल ने दस्ते करबला की मिट्टी दी और इस्माइल की कुर्बानी याद दिलाई, तो मेरे नबी ने अपने बदले का हिस्सा बेटे इब्राहिम को दे दिया और दादा इस्माइल की कुर्बानी को पूरा करने के लिए हुसैन को दे दिया। इसीलिए जब हुसैन आखिरी सजदा किया तो दुनिया जान गई। तफसील में नहीं, बस ये आखिरी लफ्ज है, इसी पे खत्म। आखिरी सजदा किया तो दुनिया जान गई। वो बता रहे हैं कि ये तकमील ज़िबहे अज़ीम की तफसील है। उधर दादा इस्माइल ने सजदा किया था, इधर पोता हुसैन सजदा कर रहा है। इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं कि वो कैसा सजदा था, लेकिन इस पर तो नमः।
नमाज का सजदा था कि सुन्नत का था कि फर्ज का था कि वाजिब का था। वहां तो वजू के लिए पानी नहीं था, बदन पे खून लगा था, तो तयम्मुम कैसे करते, इस बहस में मत पड़ो। सजदा तो था, सजदा तो था, शुक्र का सजदा था कि नहीं? चल यही मान ले कि शुक्र का सजदा था। इस्माइल ने भी नमाज वाला नहीं, शुक्र ही का सजदा किया। उधर दादा ने शुक्र का सजदा, इधर पोते ने शुक्र का सजदा, मगर दोनों कुर्बानी में फर्क यह है कि इस्माइल की गर्दन पे छुरी चली तो गर्दन बच गई, यहां पोते हुसैन की गर्दन पे चली तो गर्दन कट गई। अब मैं हुजूर वालिदे गिरामी के कदमों का बोसा लेते हुए इन्हीं का तारीखी जुमला दे रहा हूं, अल्लाह करे हर दिल वाले के हवाले हो जाए। या अल्लाह राज क्या है? दादा की गर्दन बच गई, पोते की गर्दन कट गई, मसला क्या है? तो रहनुमाई हुई, कहा सुन इस्माइल को, इस्माइल को, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, इस्माइल को मीना में बचा कर, मीना में बचा कर नूरे मोहम्मदी को बचा लिया, और शब्बीर को करबला में कुर्बान करके दीने मोहम्मद। टच है जिंदगी के साथ, तब कहा है इब्राहिम मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला। हजरत इब्राहिम इस पे चुप नहीं रहे, अर्ज किया है अल्लाह ये इमामत सिर्फ मेरे लिए, ये मेरे वंश को भी मिलेगी, मेरे बच्चों को भी। काला व मिन ज़ुर्रियती, ओ अल्लाह व्हाट अबाउट माय डिसेंडेंट, आर दे विल गेट This honor, क्या उन्हें भी ये मिलेगा? तो आवाज आई, قال لا ينال عهد الظالمين, ऐ इब्राहिम मेरा ये वादा जालिमों के लिए नहीं, यानी तेरे वंश को मिलेगा इमामत, मगर तेरे वंश टू टाइप्स, दो तरह के होंगे, आलिम भी होंगे जालिम भी होंगे, साबिर भी होंगे जाबिर भी होंगे, हकदार भी होंगे अय्यार भी होंगे, दो टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे। दस्ते करबला ने वो मंजर दिखा दिया, एक तरफ हुसैन है एक तरफ यजीद, दोनों बनी इब्राहिम, दोनों बनी इस्माइल, दोनों बनी कुरैश, दोनों बनी लुई, दोनों बनू मुदरका, दोनों बनू खुजैमा, दोनों बनू कुसई, दोनों की रगों में इब्राहिम का डीएनए, मगर ये खिलाफत नहीं इमामत है, इमामत। इसके लिए अल्लाह ने यजीद जाबिर को नहीं हुसैन साबिर को चुना। यही वो दस्ते इमामत था जिसे बचाने के लिए हुसैन चले थे। लोग अपने सर को बचाने के लिए हाथ आगे कर देते हैं ताकि सर बच जाए। आका हुसैन तेरी शहादत को सलाम, आपने अपने हाथ को बचाने के लिए सर आगे कर दिया और बता दिया कि सर तो हुसैन का है मगर ये हाथ दादा इब्राहिम की अमानत। इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा और सबसे आखिर में हजरत इमाम महदी अला जद्दिही वालेहि सलाम जब वो आएंगे तो ये इमामत कुबरा का आखिरी ताज उनके सर पे रखा जाएगा। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह প্রত্যেকটি মহাদেশে শুধু দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছেন, সুবহানাল্লাহ। এই গাজী মিল্লাত আমাদেরকে এখন সময় আমাদের ইমান আমলকে তাজা করে।